नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इस ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर थ्योरेटिकल सवाल है uh, पहला ऑप्शन है स्टेरिंग ऑफ लिक्विड कनेक्ट कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन नाउ बड़ा सिंपल सवाल है ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है पहला स्टरिंग ऑफ लिक्विड दूसरा कन्वेक्शन कंडक्शन या फिर रेडिएशन सो रेडिएशन के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए कोई ग्रेविटेशन नहीं चाहिए कंडक्शन के लिए भी आ, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आ, लेकिन हमें यहाँ कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी चाहिए बिकॉज कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें आपके मॉलिक्यूल जो गर्म मॉलिक्यूल हैं वो नीचे से ऊपर जाते हैं और हाई डेंसिटी के मॉलिक्यूल जिनका टेम्परेचर कम है वो नीचे आते हैं सो so, कन्वेक्शन का प्रोसेस होने के लिए आ, हमें ग्रेविटी की ज़रूरत है अलइ सो बिना ग्रेविटी के कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता सो दैट्स वाई कन्वेक्शन वुड बी द राइट आंसर Uh, एक चीज़ और इसमें uh, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बात पे भी कंफ्यूज होते हैं विच कहते हैं हु सेज़ कि स्टरिंग ऑफ लिक्विड के लिए भी ग्रेविटी चाहिए नहीं अगर आपके पास बीकर है बीकर में लिक्विड है उसको अगर आप चम्मच से ऐसे घुमा रहे हैं तो वो सारे पार्टिकल बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स और जो स्टरिंग एक्शन है उसकी वजह से गोल 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 घूम सकते हैं उसमें ग्रेविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है डेफिनेटली आपके कन्वेक्शन के लिए ग्रेविटी चाहिए सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर